तो व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुशागर एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जिज्ञासा। तो कल की क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर दिया था वो था हमारा चैप्टर 2 फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स कलेक्शन ऑफ डेटा। एंड उसके हमने कई सारे टॉपिक्स भी पढ़ लिए थे, जैसे कि हमारा प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों के मीनिंग है। उसके बाद हमने मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा भी देख लिया था प्राइमरी सोर्स में, या प्राइमरी डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। उसके हमने 3 सोर्सेज पढ़ लिए थे। सबसे पहला था मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड था मेरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, एंड थर्ड था मेरा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कोरेस्पॉन्डेंट्स। एंड अब इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो, शेयर करो इस वीडियो को, एंड जितने भी लोग नए या पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो पुराने हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल नोटिफिकेशन का घंटा है उसको भी दबा दो, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिदम है वो हो सकता है आपके पास ना भेजे नोटिफिकेशन, लेकिन अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा होगा तो वो ज़रूर नोटिफिकेशन भेजेगा। एंड तो अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राइमरी सोर्स में हम कैसे डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसमें जो फोर्थ पॉइंट था हमारा, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स या फिर शेड्यूल्स। अब इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक क्वेश्चनेयर तैयार करता है, या क्वेश्चनेयर हम कह सकते हैं कि कुछ सेट ऑफ बंच ऑफ क्वेश्चंस रेडी करता है अपने ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के, एंड उस क्वेश्चंस को फिर वो जो इन्फॉर्मेंट्स है उनसे पूछता है, उनसे जवाब लेके एक अपना पूरा शेड्यूल तैयार करता है। इसमें मेरे दो मेथड्स आते हैं, एक है मेलिंग मेथड, एक आता है मेरा एन्यूमिनेटर्स मेथड। अब हम इन दोनों को भी स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला मेथड है मेरा मेलिंग मेथड। अब मेलिंग मेथड के अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट्स को क्वेश्चनेयर मेल कर देता है या उनको सेंड कर देता है एक लेटर में, जिसमें कि सारे क्वेश्चनेयर्स में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, एंड फिर उस लेटर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो इन्फॉर्मेंट उस क्वेश्चंस को बिल्कुल ही ट्रूली उसके सारे आंसर्स देता है, एंड ये उसको इंश्योर किया जाता है कि आपके जो आंसर्स हैं उनको सीक्रेट रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। एंड जब इन्फॉर्मेंट पूरे क्वेश्चनेयर को कंप्लीट कर देता है तो उसके बाद फिर वापस उसको इन्वेस्टिगेटर के पास अपने क्वेश्चनेयर जो उसने भर दिया है उसको भेज देना पड़ता है। तो ये पूरा मेथड है, और इसका जो मेन पर्पस यही है कि जानकारी को इकट्ठा करना लोगों से। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है इसकी। अब जो मेरा ये मेथड है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनेयर्स या फिर शेड्यूल्स, ये मेनली सूटेबल होता है दो एरियाज में। सबसे पहला, जबकि आपका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा है, तो उस केस में ये यूजफुल होता है। एंड सेकेंड है मेरा कि जब आपकी जो इन्फॉर्मेंट्स हैं या जिनसे आपको क्वेश्चन पूछना है वो एजुकेटेड हैं, उनको अच्छी खासी नॉलेज है, तो वह तब ये ज़्यादा सूटेबल होता है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा मेरिट्स, कि क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि वाइड एरिया को कवर कर सकता है, क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चनेयर सेंड करते हैं या मेल करते हैं वो बहुत ही वाइड सेक्शन ऑफ पीपल को मेल करते हैं, तो मेरा वाइड एरिया कवर हो सकता है। सेकेंड मेरा मेरिट है कि ये इकोनॉमिकल है, लेस एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें मुझे क्वेश्चनेयर बनाना है एंड डायरेक्टली बस मेल कर देना है लोगों को, तो इस केस में टाइम, मनी और एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। एंड थर्ड मेरा मेरिट है कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि जो क्वेश्चनेयर बनाए जाते हैं वो एक सेट पैटर्न में बनाए जाते हैं एंड अपने ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के बनाए जाते हैं, तो इसीलिए इसकी ओरिजिनैलिटी बहुत ज़्यादा मेंटेन रहती है। एंड जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है वो उस कंसर्न पर्सन के थ्रू ही आती है, कोई दूसरा विटनेस नहीं देता उस इन्फॉर्मेशन को। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा डीमेरिट्स। अब कुछ अच्छी बातें तो हैं इसकी, लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं या कुछ नुकसानदायक चीज़ें भी हैं हमारे लिए। सबसे पहला है मेरा लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब जब हम क्वेश्चनेयर्स को मेल कर देते हैं किसी को भी, किसी भी अपने इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चनेयर्स मेल कर देते हैं, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो या तो क्वेश्चनेयर को रिटर्न नहीं करेंगे, या फिर अगर जिसने रिटर्न कर भी दिया तो वो प्रॉपरली आंसर नहीं देगा या फिर इनकम्प्लीट होगा, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता इन सब चीज़ों में। सेकंड है मेरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम है, कि जब आंसर्स प्रॉपरली नहीं दिए जाएंगे या इनकम्प्लीट आंसर्स दिए जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा इसका वो उतना अच्छा नहीं होगा, उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। जो थर्ड मेरा डीमेरिट है वो है लिमिटेड यूजेस। अब लिमिटेड यूजेस कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चनेयर्स का जो मेथड है वो सिर्फ एजुकेटेड सेक्शन ही यूज़ कर सकता है, तो जो अनएजुकेटेड सेक्टर है उसको हम, एक बहुत बड़ा जो सेक्शन है हमारी कंट्री का उसको हम इग्नोर कर देते हैं इस मेथड में। फिर आता है मेरा जो फोर्थ डीमेरिट है वो है बायस या पर्सनल बायस। अब जितने भी इन्फॉर्मेंट्स हैं वो बायस होकर ही अपने आंसर्स को देते हैं,
एंड क्योंकि और उस बायस इंफॉर्मेशन को मैं यूज नहीं कर सकता किसी भी एक जेनरिक या एक जर्नल स्टेटमेंट बनाने के लिए। एंड जो मेरा लास्ट डीमेरिट है वो है लेस एक्यूरेसी। अब क्योंकि क्वेश्चनेयर्स हर कोई फिल नहीं करता, उनका इंटरेस्ट नहीं है इसको फिल करने में, जो जो फिल करते हैं वो भी उसको प्रॉपरली फिल नहीं करते, तो एक हमें इनकम्प्लीट आंसर्स मिलते हैं। एंड उस इनकम्प्लीट आंसर्स के बेसिस पे मैं जो अपनी कंक्लूजन बनाता हूँ वो भी उतनी एक्यूरेट नहीं होती जो कि होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छा इसका डीमेरिट होता है। अब इसी में मेरा नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है एनुमिनेटर्स मेथड। अब इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में भी क्वेश्चनेयर्स बनाए जाते हैं विद द मेन पर्पस टू इंक्वायरी। अब यहाँ पे जो एनुमिनेटर है वो खुद जाके हर एक इन्फॉर्मेंट से जाके बात करता है, क्वेश्चंस पूछता है अपने क्वेश्चनेयर्स को, उनको देता है, उनके सामने ही फिल करता है उन क्वेश्चनेयर्स को। तो इस स्टेप में जो एनुमिनेटर है वो खुद ही जाके सारे क्वेश्चनेयर्स फिल कर रहा है लोगों के पास जाके। एंड जो क्वेश्चनेयर्स फिल एनुमिनेटर करता है उसे हम यहाँ पे कहते हैं शेड्यूल। अब हर एक एनुमिनेटर को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो प्रॉपरली या इंटेलिजेंटली क्वेश्चंस को समझे और क्वेश्चंस को पूछे, फिर उससे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे। एंड एनुमिनेटर्स को मेनली रखा जाता है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए, जिससे कि इन्वेस्टिगेटर का काम थोड़ा बहुत कम हो जाए। एंड एनुमिनेटर्स खुद जा जाके ही लोगों से पूछते हैं इन्फॉर्मेशन एंड उसको फिर क्वेश्चनेयर्स में फिल करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है इसकी, ये कहाँ कहाँ सूटेबल होता है। सबसे पहले इसकी सूटेबिलिटी है कि जब मेरा जो एरिया है ऑपरेशंस का वो बहुत बड़ा है, तब ये सूटेबल होता है। सेकेंड है मेरा जहाँ पे जो मेरे इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर स्किल इन्वेस्टिगेटर्स होने चाहिए। एंड थर्ड है मेरा ये वहाँ वहाँ सूटेबल है जहाँ पे कि जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं या फिर जो एनुमिनेटर्स हैं उनको उस लोकेलिटी के कल्चरल हेरिटेज एंड वहाँ के जो लिंग्विस्टिक्स है उसके बारे में उस एनुमिनेटर को बहुत अच्छी जानकारी है। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स या कुछ मेरिट्स होते हैं, तब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेरिट है मेरा वाइड कवरेज या फिर लार्ज कवरेज एरिया। अब इस मेथड में एक वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है इजीली, एंड क्योंकि जो एनुमिनेटर है वो खुद जा जाके सबसे बात करता है तो एक वाइड एरिया को कवर किया जा सकता है इजीली एंड वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सेकेंड है मेरा इसका कंप्लीटनेस। अब क्योंकि जो एनुमिनेटर है वो खुद बैठ के लोगों से पूछता है इन्फॉर्मेंट से एंड फिर वो इन्फॉर्मेशन खुद ही लिखता है उस क्वेश्चनेयर्स के अंदर, तो यहाँ पे कंप्लीटनेस होती है क्योंकि एनुमिनेटर का काम होता है क्वेश्चनेयर्स को पूरा फिल करना। फिर थर्ड आता है मेरा कि एक्यूरेसी है, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे होती है क्योंकि एनुमिनेटर है वो स्किल्ड है, वो उसको नॉलेज है अच्छी खासी कैसे क्वेश्चनेयर्स को फिल करना है एंड वो पूरे क्वेश्चनेयर्स को खुद ही फिल करता है, तो एक एक्यूरेसी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन होती है। फोर्थ है मेरा पर्सनल कांटेक्ट, क्योंकि एनुमिनेटर इन्फॉर्मेंट्स के साथ बैठ के उनसे क्वेश्चंस पूछता है उनके बारे में, उनके जो भी क्वेश्चनेयर्स में लिखा होता है वो सब कुछ पूछता है, एंड इस वजह से जो एक पर्सनल कांटेक्ट एक पर्सनल रिलेशनशिप बन पाता है एंड जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो थोड़ा सा ओपन होकर अपने जवाब दे सकते हैं। एंड जो मेरा फिफ्थ मेरिट है वो है इम्पार्शियलिटी। अब इस केस में क्योंकि एनुमिनेटर खुद बैठ के ही उस फॉर्म को भर रहा है, उस क्वेश्चनेयर को भर रहा है एंड जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो उसको जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बेसिस पे ही वो भर रहा है, तो और जो एनुमिनेटर है वो इम्पार्शियल होता है इस काम में क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही ऐसे तरह से दी जाती है। एंड इस इम्पार्शियलिटी के वजह से जो एनुमिनेटर के अंदर होती है उसके वजह से जो क्वेश्चनेयर है वो बिल्कुल ही अनबायस तरह से फिल किया जा सकता है। अब कुछ अच्छे पॉइंट्स के साथ कुछ बुरे पॉइंट्स भी आते हैं जो हम सबको पता है। तो अब इस केस में जो इसके डीमेरिट है, सबसे पहला डीमेरिट है कि ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अब एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि मुझे एक तो सबसे पहले एक हाई लेवल या हाई नॉलेज वाला एक एनुमिनेटर चाहिए, वो अच्छे खासे पैसे लेता है, उसके बाद मुझे घर घर जा जा के लोगों से बात करनी है तो उसमें पैसा खर्च होता है, तो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है हमारा ये वाला। सेकेंड मेरा डीमेरिट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमिनेटर। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि मेरे को एनुमिनेटर्स मिल ही जाए जल्दी, या जो कॉम्पिटेंट एनुमिनेटर्स हैं वो मुझे जल्दी मिल जाए, या हो सकता है कि जब मुझे ज़रूरत हो तब मुझे मिले ही ना, तो ये एक डीमेरिट होता है मेरा। फिर थर्ड डीमेरिट है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है ये। अब टाइम कंज्यूमिंग कैसे है कि क्योंकि हर एक एनुमिनेटर को खुद जा जा के सबसे बात करनी है एंड अगर खुद पर्सनल कॉन्टैक्ट में बात करनी है लोगों से, तो इस वजह से क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। फिर हमारा फिफ्थ आता है पार्शियल, कि अगर वो एनुमिनेटर खुद ही पार्शियल है, उसने खुद ही किसी बायस में रह के इन्फॉर्मेशन को गैदर किया है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी को मेंटेन करना नामुमकिन है।
एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो मेरा डीमेरिट है वो है नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मेथड बहुत महंगा है, उसके बाद ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, फिर जो मेरे को एनुमिनेटर्स चाहिए वो बहुत ही हाई लेवल या बहुत ही ज़्यादा हाई नॉलेज के चाहिए, तो इस वजह से क्या है कि मेरे को मैं इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं उठा सकता एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं उसके हिसाब से सोचूँ। तो ये मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही इस मेथड को पूरा यूज़ करती है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि क्वेश्चनेयर्स कैसे बने या हम कैसे बना सकते हैं क्वेश्चनेयर्स अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का, एंड क्वेश्चनेयर्स और शेड्यूल्स में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में ही हम क्वेश्चंस को रख रहे हैं, तो इन दोनों में मेनली जो डिफरेंस है वो क्या है। तो सबसे पहला तो जो मेन डिफरेंस है मेरा क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल में वो है कि क्वेश्चनेयर्स में जो क्वेश्चंस है उसको इन्फॉर्मेंट खुद भरता है, एंड जो शेड्यूल है उसमें जो क्वेश्चंस है उसको एनुमिनेटर खुद बैठ के भरता है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स करके। अब क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर मुझे क्वेश्चनेयर या शेड्यूल को प्रॉपरली बनाना है। सबसे पहला है मेरा लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि आपने 100-200 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं किसी भी इंसान से, तो ना ही ये एनुमिनेटर ना ही वो इन्फॉर्मेंट, दोनों के इंटरेस्ट से बाहर हो जाएगा ये कि आप एक साथ 100-200 क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो क्वेश्चंस होने चाहिए लिमिटेड नंबर के, अगर हम एवरेज देखें तो आपके एक क्वेश्चनेयर में मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो, और मिनिमम से मिनिमम भी देखें तो 10 मिनिमम तो होने ही चाहिए। तो 10 से 20 के बीच का आपको एक एवरेज पकड़ लेना चाहिए कि हाँ इतने क्वेश्चंस पूछे, तो क्या है कि इन्फॉर्मेंट भी इंटरेस्ट से दे पाएगा जवाब, एंड जो एनुमिनेटर है वो भी उसको भी कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को आंसर देने में या लोगों से बात करके क्वेश्चंस को आंसर देने में। सेकंड मेरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या क्वालिटी है वो है सिंप्लिसिटी। क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हो वो एकदम सिंपल होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपने इतने ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स लगा दिए हैं उसमें या ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करें जो कि एक आम आदमी के लिए, फिर एक स्पेशलिस्ट के लिए भी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उसको भी समझना है। तो जो लैंग्वेज होनी चाहिए यहाँ पे, जो वर्ड सिलेक्शन होना चाहिए वो बहुत ही ईजी होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। फिर थर्ड है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आप पहले पूछ रहे हो कि भैया आपका नाम क्या है, फिर आप पूछ रहे हो कि आप ऑक्यूपेशन क्या करते हो, फिर आप कुछ और ही चले गए, किसी और फील्ड में चले गए उस क्वेश्चनेयर को लेके। ऐसी प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चनेयर में, आपको एक ऑर्डर में क्वेश्चंस पूछने चाहिए हमेशा। फोर्थ है मेरा कि नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। अनडिजायरेबल क्वेश्चन या फिर जो पर्सनल क्वेश्चन है किसी भी इन्फॉर्मेंट के बारे में वो नहीं पूछे जाने चाहिए क्वेश्चनेयर या शेड्यूल के अंदर। फिफ्थ जो है मेरा क्वालिटी वो है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। अब जो क्वेश्चंस है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए, आपको कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको आंसर देने हैं वो इम्पार्शियल होके देने हैं, लेकिन एंड लोग कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों पे थोड़ा सा पार्शियल होके जवाब देते हैं हमेशा। सिक्स्थ है मेरा कैलकुलेशंस। अब कैलकुलेशंस का जो पार्ट है कि जो भी मेरा रिस्पॉन्डेंट गया है, चाहे एनुमिनेटर गया हो या कोई भी गया हो, तो उसको ही मेनली कैलकुलेशंस के पार्ट करने चाहिए, एंड जो इन्फॉर्मेंट है उसके ऊपर हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको ये कैलकुलेशन करनी है, ये बताओ। सारी कैलकुलेशन का पार्ट उस रिस्पॉन्डेंट की ही जिम्मेदारी है। फिर सेवन्थ है मेरा प्री टेस्ट या पायलट सर्वे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ सैम्पल की तरह भी लोगों से पूछने चाहिए, और फिर फ्रेम देखना चाहिए कि अगर लोग इन क्वेश्चंस का जवाब देने में उनको कोई डिफिकल्टी है तो उसको थोड़ा रीफ्रेम कर दो, थोड़ा अलग तरह से पूछो, एंड इसको हम टेक्निकली कहते हैं पायलट सर्वे। एट है मेरा इंस्ट्रक्शंस। एक क्वेश्चनेयर में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि कैसे इस सर्वे को या इस क्वेश्चनेयर को फिल करा जाए। नाइन्थ है मेरा क्रॉस वेरिफिकेशन। अब क्वेश्चंस को आपको पूछना भी चाहिए जिससे कि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको उन सारे क्वेश्चंस को जो भी क्वेश्चनेयर में लिखे हैं। एंड टेंथ है मेरा रिक्वेस्ट टू रिटर्न। अब जब मैंने क्वेश्चनेयर बना दिया, क्वेश्चनेयर भेज दिया, तो उसमें एक नीचे लाइन आनी चाहिए कि रिक्वेस्ट टू रिटर्न, कि आप जब क्वेश्चनेयर को फिल कर दो तो इस पीओ बॉक्स पे, इस मेल आईडी पे आपको इस क्वेश्चनेयर को वापस रिटर्न भी करना है, क्योंकि अगर मेरे पास क्वेश्चनेयर वापस ही नहीं आया तो मैं उससे कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर पाऊंगा, एंड जो मेरा स्टैटिस्टिक्स का जो नेक्स्ट स्टेप्स है उस पर हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर आता है हमारा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए। सबसे पहला टाइप होता है हमारा कि सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस। जो भी आप क्वेश्चंस पूछो उनके आंसर्स में आपके पास ऑल्टरनेटिव हो, या तो येस नो गुड बैड, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव आपके पास होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते, डू यू हैव अ कार, येस या नो, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप का जो मेरा आते हैं वो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको ऑप्शंस देने चाहिए अपने इन्फॉर्मेंट्स को कि वो ऑप्शंस में जवाब दे सके, जैसे कि विच कन्वेंस डू यू प्रेफर। अब इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं ऑन फुटर,
कार, बाइक, स्कूटी, बस, तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। फिर कुछ स्पेसिफिक या स्पेशल क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो उनसे, जैसे कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं। फिर आता है हमारा ओपन क्वेश्चंस, कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि डिस्कशन की जा सके, जो एक ओपन, जो आपके माइंड को ओपन करे। जैसे कि इंडिया में जो प्राइस राइज की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो कुछ ओपन क्वेश्चंस भी होने चाहिए उसके अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। अभी तक हमने जो पहले जितना भी पढ़ा वो सब प्राइमरी डेटा के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो मेनली सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो ही तरीके हैं हमारे। सबसे पहला है फ्रॉम पब्लिक सोर्सेस या फिर पब्लिश्ड सोर्सेस, सेकेंड है मेरा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेज। अब पब्लिश सोर्सेज में कई सारे सोर्सेज आते हैं, तब अब हम उनको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है मेरा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक रूटीन बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल डेटा को अपडेट करती है या फिर उसको रिलीज करती है पब्लिक के सामने। एज ये जो सर्वे है या जो स्टैटिस्टिकल डेटा है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, तो इसकी रिलायबिलिटी मच हायर रहती है। अब कुछ रिलायबल सोर्सेज होते हैं हमारे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से स्टैटिस्टिकल आता है, तो उसमें आता है हमारा सबसे पहला स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, फिर लेबर गजेट एटसेट्रा। ऐसे कई सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती है जहां से कि हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा है कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस जैसे कि हमारे म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स हो गए, तो इनसे जो डेटा आता है वो भी हमारा कई हद तक रिलायबल होता है। ये जो मेनली डेटा को पब्लिश करती है वो इन फील्ड ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, फिर डेथ रेट या बर्थ, इनके ऊपर ही ज्यादातर अपने डेटा को पब्लिश करती है, तो ये भी रिलायबल होता है हमारा एंड यूजफुल भी होता है। फिर थर्ड आता है मेरा रिपोर्ट फ्रॉम कमिटीज एंड कमीशंस। अब कई सारी ऐसी गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज या फिर कमीशंस होती हैं जो कि हमें स्टैटिस्टिकल डेटा या स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है या फिर फर्निश करती है कई सारे स्टैटिस्टिकल डेटास को। अब जैसे हो गया हमारा फाइनेंस कमीशन हो गया, या फिर मोनोपोलीज कमीशन हो गया, या फिर प्लानिंग कमीशन हो गया, तो ये सब भी डेटाज देती हैं जो कि रिलायबल एंड यूजफुल होते हैं हमारे लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिकेशन फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन। अब कई सारी मेरी ट्रेड एसोसिएशन होती हैं, जो बड़ी बड़ी ट्रेड एसोसिएशन है हमारी कंट्री की, वो भी अपने स्टेटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन के थ्रू कई सारा डेटा, कई कई सारा स्टेटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करती है, पब्लिश करती है पब्लिक के बीच में। एंड जो डेटा वो पब्लिश करते हैं वो मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज के बारे में के रिगार्डिंग ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो शुगर मिल एसोसिएशन है या फिर जो कॉटन मिल एसोसिएशन है, वो लोग शुगर मिल अपने शुगर इंडस्ट्रीज के लिए देती है एंड कॉटन मिल अपने कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए देती है इंफॉर्मेशन सारी। अब नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिकेशन फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। अब इंडिया में कई सारी ऐसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जिनका मेन काम ही होता है रिसर्च करना और डेटा को पब्लिश करना। इंडिया में जो स्टेटिस्टिक्स में ज्यादातर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो है हमारा इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस या फिर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ही हमें स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती है। अब सिक्स्थ है मेरा जर्नल्स एंड पेपर्स। अब कई सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, वो कई सारे कॉमर्स से रिलेटेड या फिर फैक्ट फॉर यू से रिलेटेड कई सारे ऐसे लार्ज स्टैटिस्टिकल डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। फिर नेक्स्ट है मेरा पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। अब कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे, कई सारे स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपने एक्सपर्टीज को यूज करके हमें एक अच्छा खासा स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर लास्ट आता है मेरा पब्लिश्ड सोर्सेज में, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमारी यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ या फिर कई सारी फॉरेन गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो कि हमें स्टेटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड करती हैं किसी भी हमें कंसर्न में अगर डेटा चाहिए, एंड उस डेटा को हम एज अ सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं। फिर सेकेंड टाइप का है मेरा जो डेटा सेकेंडरी में, वो है अनपब्लिश डेटा। अब अनपब्लिश डेटा वो डेटा होता है जो कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से या फिर किसी भी जो हमने पब्लिश्ड सोर्सेज देखे उनमें से कहीं से भी लिया जाता है, और उसका जो मेन पर्पस होता है या तो उसको अपने सेल्फ यूज के लिए या फिर अपने ऑफिस रिकॉर्ड्स के लिए रखा जाता है। एंड हम अनपब्लिश डेटा को भी एज अ सेकेंडरी डेटा यूज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए हमें। अब क्योंकि जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहे हैं वो किसी और का डेटा है, वो किसी और ने बनाया है, एंड उसको मैं कलेक्ट करता हूँ अपने पर्पस के हिसाब से, मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, तो मुझे बहुत केयरफुल होना चाहिए इस टाइम पे।
कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे को अपने दिमाग में रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि वेदर द डेटा इज रिलायबल, क्या वो डेटा रिलायबल है। सेकेंड, क्या वो डेटा एडिक्वेट है, एंड क्या उस डेटा की मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सूटेबिलिटी है या नहीं है। तो ये तीन पॉइंट्स मेरे को हमेशा चेक करने चाहिए। एंड डेटा की एडिक्वेसी, सूटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए, एंड उन पॉइंट्स को हमें परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस डेटा को कलेक्ट किया है फर्स्ट हैंडली, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की हमें एबिलिटी को चेक करना चाहिए कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलायबल है, वो एक्सपीरियंस्ड है, वो अपने काम में स्किल्ड है, एंड वो क्या उसने क्या इम्पार्शली पूरे इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया है, या फिर उसने कुछ पार्शल एक्टिविटीज की हैं इस इन्वेस्टिगेशन को कलेक्ट करने के टाइम पे। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। अब हर एक इन्वेस्टिगेटर को जब भी वो सेकेंडरी डेटा को यूज कर रहा है तो उसको उस डेटा के ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके स्कोप को स्टडी करना है, समझना जरूरी होता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप जो कि उस स्टडी में है वो मेरे प्रेजेंट स्टडी के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप से अगर मैच करता है तो उस डेटा को यूज करना बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। अब थर्ड है मेरा कि मेथड ऑफ कलेक्शन। अब हर एक इन्वेस्टिगेटर को अगर वो सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा है तो उसको ये भी चेक करना चाहिए कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर ने कौन सा मेथड यूज किया है कलेक्शन करने का। अगर वो मेथड मेरा मैच करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तो वो बहुत बढ़िया बात है। एंड नेक्स्ट है मेरा टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। अब जब भी मैं डेटा को यूज कर रहा हूँ एज अ सेकेंडरी तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि जो प्राइमरी में जो जब डेटा को इन्वेस्टिगेट किया गया था तो उस टाइम पे मतलब वो टाइम कैसा था एंड उस टाइम पे कंडीशंस कैसी थी। अगर हम बात करें कि वॉर टाइम के टाइम, अगर वॉर के टाइम पे डेटा को कलेक्ट किया गया है तो वो मेरा डेटा मैच नहीं करेगा प्रेजेंट डे के कंडीशंस पे जबकि मेरा पीस टाइम चल रहा है। फिफ्थ है मेरा डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स। अब जो भी मैंने जो भी डेटा है जो प्राइमरी टाइम पे इन्वेस्टिगेट हुआ था उस टाइम पे जो यूनिट्स रखे गए थे उसी डेटा को अगर मैं अब दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ तो प्रेजेंट डे पे ही मेरे को सेम डेटा के यूनिट्स रखने पड़ेंगे। अगर कोई भी डिफरेंस होता है तो उस केस में डेटा से एडिक्वेट कंक्लूजन नहीं आ पाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट मेरा प्रिकॉशन है एक्यूरेसी। अब मुझे एक्यूरेसी भी चेक करनी चाहिए उस प्राइमरी डेटा की कि अगर वो प्राइमरी डेटा मेरा इतना एक्यूरेट नहीं है तो उस केस में मेरे को उस डेटा को यूज नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात, उस केस में डेटा को यूज ही मत करो अगर वो डेटा एक्यूरेट नहीं है। तो ये भी हर एक इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है, ये उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर वो कोई भी डेटा को एज अ सेकेंडरी डेटा यूज कर रहा है। अब हमने प्रिकॉशंस देख लिए, हमने अलग अलग एरियाज देख लिए जहां से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी डेटा। तो अब इस केस में दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन से बेस्ट एरियाज है जहां से मेरे को डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, डेटा हर जगह है, तो कौन सी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के लिए। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हमारी बेस्ट है अगर मुझे डेटा चाहिए। सबसे पहला है मेरा सेंसस ऑफ इंडिया। जो भी हमारी जनगणना के अंदर जो भी डेटा होता है वो डेटा सबसे ज़्यादा सेफ है। एंड सेकेंड है मेरा फ्रॉम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। वहाँ से अगर कोई भी डेटा आ रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी एडिक्वेसी, उसकी सूटेबिलिटी बहुत हाई होगी। और सेम बात अगर वही मैं सेंसस की भी करूँ तो उस केस में भी जो सूटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है या एडिक्वेसी है, वो सब कुछ हाई रहेगी। तो हम इन दोनों को ही थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा सेंसर्स ऑफ इंडिया। तो पहला जो हमारा मेथड है वो है सेंसर्स ऑफ इंडिया। अब सेंसर्स ऑफ इंडिया मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही कराया जाता है। इसको पब्लिश कराने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे पहला है हमारा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेकेंड है सेंसर्स कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब सेंसर्स हमारा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स होता है सेकेंडरी डाटा के लिए। तो सेंसस ऑफ इंडिया में मेनली जो चीज़ें इंक्लूड की जाती है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड जो भी उसके रिलेटेड डेमोग्राफिक्स हैं, चेंज जो होते हैं इंडिया के अंदर उसको कंसिडर किया जाता है। अब जो ब्रॉड पैरामीटर्स आते हैं हमारे सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर वो मेनली है हमारे साइज, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर आता है हमारा सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फिर आता है इसमें एक और है कि पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस कैसे कैसी होती है एंड उस पॉपुलेशन की लिटरेसी का लेवल कितना है। तो ये सब चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं सेंसस के अंदर। अब इंफॉर्मेशन जितने भी हमने पैरामीटर अभी प्रीवियसली डिस्कस किए वो सारे पैरामीटर्स एक तो नेशन वाइड किए जाते हैं, फिर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड इवन सिटीज के हिसाब से भी किए जाते हैं।
एंड जैसे कि ये जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है सेंसर्स ऑफ इंडिया, तो इस केस में हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के घर घर जाके उनसे बात की जाती है, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है एंड फिर उसको रजिस्टर में सबमिट किया जाता है एंड तब हमारा सेंसस कंप्लीट होता है। एंड हर 10 साल में एक बार इंडिया में सेंसस की एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। पिछला जो सेंसस हुआ था वो हमारा 2011 में हुआ था, अब नेक्स्ट जो सेंसस होगा वो 2021 में होगा। फिर सेकेंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस फ्रॉम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, NSSO। अब सेंसस के बाद हमारा NSSO के जो रिपोर्ट्स या फिर जो पब्लिकेशंस निकलती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है मेरा सेकेंडरी डेटा के लिए, क्योंकि जो NSSO है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ही अपने सैम्पल सर्वेस करती रहती है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग एरियाज के ऊपर, एंड रेगुलर इंटरवल पे वो रिपोर्ट्स निकालती रहती है। तो ये एक बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स होता है हमारे लिए सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि जो 69th राउंड था हमारा NSSO का, वो मेनली फोकस था हमारा कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, हाइजीन, हाउसिंग कंडीशंस एंड स्लम कंडीशंस, इन चीज़ों के ऊपर वो मेनली फोकस था। अगर हम ब्रॉडली देखते हैं तो NSSO की जो पब्लिकेशंस या फिर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कुछ बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर आपकी सबसे ज़्यादा रिलेटेड रहती है, और मेनली यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको हम ज़्यादा इंक्लूड करते हैं इस चीज़ों में। सबसे पहला है हमारा इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो है लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, सेकेंड है मेरा अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, थर्ड है मेरा सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया, फोर्थ है मेरा हाउसिंग कंडीशंस एंड माइग्रेशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्लम ड्वेलर्स, फिर फिफ्थ है मेरा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज के बेसिस पे ही पूरा NSSO का काम चलता रहता है। अब जो सेंसर्स है, अनलाइक सेंसर्स, NSSO सिर्फ एक सैंपल के ऊपर ही अपने स्टडी को कंडक्ट करती है, वो पूरे यूनिवर्स या पूरे पॉपुलेशन को कंडक्ट नहीं करती। जहाँ पे सेंसर जो है वो पूरे पॉपुलेशन के बारे में दिखाता है हमें कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन जो NSSO का जो मेन काम है वो एक सैंपल के ऊपर ही काम करते हैं, मतलब पूरे पॉपुलेशन में एक छोटे से सैंपल के ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन NSSO का सैंपल भी बहुत बड़ा होता है, कई लाखों लोगों को इंक्लूड करा जाता है इस पूरे सैंपल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो खत्म होता है। एंड अब इस चैप्टर से रिलेटेड या इस वीडियो में फिर जो प्रीवियस वीडियो आई है, इन दोनों की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखो एंड मैं ट्राई करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का जवाब मैं इजीली दे सकूं, या फिर अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी लिख दो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। एंड एट द एंड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे लर्निंग एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइज, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड बाय।